खास है ये जन्मदिन आपके लिए, जरा हम सबके लिए बताएं। सेंटर सेंटर देखिए, सवाल ही भूल गई। कितना खास, कितना स्पेशल है ये जन्मदिन आपका? बहुत खास है। मेरा बेस्ट गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट ये है कि सीक्रेट सुपरस्टार को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आई डोंट थिंक मैं बता पाऊँगी मैं कितना स्पेशल है मेरे लिए बर्थडे। अमेज़िंग हैप्पी। ज़ायरा, कांग्रेचुलेशन, वेरी हैप्पी बर्थडे। यू कैन से ट्रिपल सेलिब्रेशन, दिवाली है, आपका बर्थडे है और फिल्म भी हिट है। व्हाट हैव यू टू से एक्चुअली? आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम रियली ओवरवेलम्ड।
एज आई से आई एम वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड. सो या आई एम वेरी हैप्पी कि सीक्रेट सुपरस्टार को बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे इतना प्यार. सबसे पहले तो मुझे मम्मा ने विश किया और आमिर सर अभी मैं उनको शाम को मिलूँगी. वो उनका बहुत देर तक कल शूट था. ही इज स्लीपिंग राइट नाउ अभी तक पर आई विल मीट हिम शाम को. हम मैं और अजय ताज दोनों हम लोग थिएटर्स जाने वाले हैं बहुत सारे जो हम रोज करते आए हैं आज तक जब से फिल्म रिलीज हुई है. सो हम लोग और 300 बार फिल्म देखेंगे आज अलग अलग थिएटर्स में जाके. अकबर पहली फिल्म डायरेक्टर के तौर पर किस तरीके का रिस्पांस और आपकी लीड एक्ट्रेस का जन्मदिन किस तरीके से ये सब कुछ देखते हैं? यार बहुत एक्साइटिंग है. आई कांट बिलीव एक्चुअली ये सब हो रहा है. तेरा बहुत बिलीव कर रहा हूँ, बाकी सब थोड़ा सरियल है. वीकेंड पे इतने बड़े नंबर्स एंड द फैक्ट दैट इट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ हिट ऑन द वीकेंड इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. यार बहुत मज़ा आ रहा है. अगेन वी आर गोइंग टू वॉच द फिल्म टुडे. आई वॉज वॉचिंग इन दैट डे विथ हर. यार गाने पे सीटी बज रही है. यू नो जब ज़ारा गाना शुरू कर लेती है तब तालियां बज रही है. तो मेरे लिए आई कैंट बिलीव इट. इट्स लाइक अ गूज बम्पी फीलिंग फॉर मी टू सिट इन द ऑडियंस. 600 लोग पूरा हाउसफुल बैठ के पिक्चर देख रहा है और ताली बज रही है. तो यू लक इन बेस्ट. वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग. मुझे आई थिंक इतने मैसेजेस दंगल के टाइम भी नहीं आए थे जितने अभी आ रहे हैं. एंड पीपल आर यस बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. और जम्मू में थिएटर जो है वहाँ पे टिकट मिल ही नहीं रही है. इतने लोग वहाँ हाउसफुल हो गए. मतलब जो मेरे फ्रेंड्स देखने गए हैं उनको टिकट्स भी नहीं मिल रही है. सो इट्स वंडरफुल. इट्स फन पर एक्चुअली मैं इट्स वेरी मैं खुश भी हूँ पर दुखी भी हूँ बिकॉज इट्स कमिंग टू एन एंड. द जर्नी इज कमिंग टू एन एंड. द फिल्म इज़ नॉट आर्स एनी मोर. ऑडियंस की हो गई है अब. सीक्रेट सुपर स्टार इज़ नॉट आर्स एनी मोर. First of all, happy birthday. You know, I remember interacting with you before the release where you said that more than the numbers, what you care about is how the audience reacts to the emotions. Mm-hmm. And since you have been to the theater and audience are emotionally reacting, how does that feel? Do you think that is a bigger achievement than the numbers because the people are connecting to the emotions as well of your Absolutely. Character? It's definitely the emotion. In fact, हम लोग जहाँ भी गए थिएटर्स में when people come and tell me कि मुझे हमें बहुत अच्छी लगी फिल्म. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई आज दम इवन मेरी जो अम्मी है मेहर वो भी पहला सवाल जो पूछती है वो ये है कि आप रोए क्या. हम लोग पहला सवाल यही पूछते हैं जब पीपल when people come and tell us कि हमें फिल्म बहुत अच्छी लगी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आज दम इज़ आप लोग रोए क्या फिल्म में. सो इट्स वेरी गुड. Actually, that's the exciting part is that people are coming out saying we laughed, we cried, we enjoyed, we clapped. So the fact that we could give them an experience like that, or जहाँ जहाँ हमें लगा कि लोग हंसेंगे वहाँ हंस रहे हैं, you know, तो वो देख के बहुत मजा आ रहा है. That people are enjoying Amir sir's character so much. They're having fun with the film also. And you know, adding to that question, was it a conscious effort on your part in the promotion to keep the domestic violence aspect away? Because you know that is in a way a dark topic. See, the thing is, the story is actually about this girl and her dreams. The core of this film is dream देखना तो basic होता है. And how a girl dreams and works towards getting her dream come true, and which is the part that we highlighted in the film, in the promotion as well. नहीं एक्चुअली होता क्या है एट आमिर खान प्रोडक्शन स्पेशली जब से हम फिल्म बनाना शुरू करते हैं ये प्रोसेस चलते रहता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे हम बेटर कर सकते हैं कैसे हम फिल्म को बेटर कर सकते हैं कैसे बैक तो ये चलते रहता है. और जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता तक तब आमिर सर फिल्म रिलीज़ होने ही नहीं देते. तो एट द पॉइंट कि हमने डिसाइड किया कि हम फिल्म रिलीज करेंगे बिकॉज वी हैड रीच्ड द पॉइंट कि अब हमें लगा कि हम इस फिल्म से बहुत खुश हैं. अगर नहीं होते तो हम वो आमिर सर रिलीज़ करने ही नहीं देते. तो I guess Amir sir and the team must have felt that this film has potential to do well abroad, and I think it's doing really well.
तो आई थिंक शायद इसलिए प्रमोशन किए हैं। जी उन्होंने फिल्म देखी, मुझे रात को 2 बजे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि आई लव द फिल्म सो मच एंड यू नो ही स्पोक टू मी इन डिटेल अबाउट सम सीन्स दैट ही रियली लाइक्ड। ही लाइक्ड द लैपटॉप सीन, ही रियली लाइक्ड द क्लाइमैक्स, ही रियली लाइक्ड द स्पीच एट द एंड। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि राजकुमार हिरानी, जिनका काम देखे मैं बड़ा हुआ हूँ, जिनको मैंने ट्राई किया है जिनका स्टाइल कॉपी करने को ऑनेस्टली, उन्हें फिल्म पसंद आई एंड ही मेड अ फोन कॉल टू मी। तो एक्चुअली मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात हुई है दैट पीपल हु आई लुक अप टू जैसे मंसूर खान, राजू हिरानी, कबीर खान, देव कॉल्ड मी अप एंड करण जौहर एंड देव कॉल्ड मी अप एंड सच नाइस थिंग्स। सो आई एम एक्चुअली वेरी ओवरवेल्म्ड। मेरे लिए तो मुश्किल ऐसे बताना, मेरे लिए पूरी फिल्म ही एक पूरा मोमेंट है फिल्म। आई थिंक जब ज़ायरा टर्न्स अराउंड एंड गिव्स आमिर सर अ हग, यू नो, बिकॉज जो आमिर सर और ज़ायरा का कैरेक्टर है, द डायनामिक, यू नो, दैट रियली इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द फिल्म, यू नो, बिकॉज दंगल में एक तरह का डायनामिक था एंड एवरी वन हैड लव्ड आमिर सर एंड ज़ायरा टुगेदर, द केमिस्ट्री इन दंगल। तो उसके बाद टू कम अप लाइक अनदर, यू नो, डायनामिक, द केमिस्ट्री दैट्स वर्किंग इन माई फिल्म, उसमें देख के बहुत मज़ा आता है। The film has received a massive opening, plus, you know, everywhere appraises and all. You know, even after releasing across a film like Golmaal, it was a mass entertainer. So, what is your take right now? यार ऑनेस्टली मेरी पहली पिक्चर है तो आई तो वाज वेरी एक्साइटिंग कि मेरी पहली पिक्चर रिलीज हो रही है, ऊपर से रोहित शेट्टी के सामने आ रही है, उसने 25-50 हिट दे चुके हैं वो, एंड हिज सक्सेस रेट इज अमेजिंग, यू नो। सो फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डील दैट माय फिल्म इज रिलीजिंग विद रोहित शेट्टी, फिल्म इज डूइंग वेल, इन फैक्ट वी रिकवर्ड आवर कॉस्ट ऑन अ वीकेंड, यू नो, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड अच्छा ही जा रहा है सब। I would love to work with him again. आपका ड्रीम रोल क्या है अगर हम आपसे पूछे कि एक रोल आप निभाना चाहती हो, एक ड्रीम रोल आपका कोई? चिकन रोल। अच्छा एक आप जस्ट वेटिंग टू वॉच दिस फिल्म अगेन एंड अगेन। जरा दो लाइन अगर आप गुनगुना दें तो उसको हम लोग एंड कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, फिर बर्बाद हो जाएगी, कोई नहीं जाएगा देखने। एनी पर्टिकुलर ऑडियंस रिएक्ट किया आपने, एनी पर्टिकुलर किसी ने आपसे कहा हो, कोई मैसेज दिया हो, कोई वेरी यू लाइक अ लाइक का मेमोरी कुछ से है? मेरे पेरेंट्स के साथ मैं जब देखने गई, जब कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग थी तो पापा फिल्म देख रहे थे, पापा मम्मा दोनों साथ में बैठ के देख रहे थे और मैं उनसे दूर जाके बैठ गई थी और मैं जब फिल्म ख़त्म होगी तो उससे पहले मैं बाहर आ गई एंड आई वाज मीटिंग पीपल और मुझे मेरी कज़न आई हुई थी और मेरे भाई ने बताया था पापा वॉज क्राइंग थ्रू आउट द फिल्म और जब भी वो थिएटर से निकले ही हैड टेयर्स इन हिज आईज, आई हैव नेवर सीन हिम क्राई, मैंने आज तक उनको ऐसे रोते हुए नहीं देखा है। He was crying and he came and he hugged me and he kissed me on my forehead. So that one thing I'm going to remember. वो मेरे लिए best compliment. कभी ऐसी कोई बात हुई है जो really relate to your real life? Somewhere at some point of time your dad must have felt देखा, you must have felt. आप relate करो फिल्म से? एक्चुअली मैं नहीं रिलेट कर सकती बट ऐसा कोई चिंतन टाइप कैरेक्टर जो आपकी लाइफ में हो जिससे आप रिलेट कर सकती हैं? कौन है वो ज़ायरा? मुझे अब समझ आया क्या बोल रहे हैं। नहीं बट यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद मम्मा एंड शी वाज टेलिंग मी कि तू वैसी ही है जैसी फिल्म में। अच्छा सो नेचुरल एक्टिंग करी तू। थैंक यू। थोड़ा फुटेज, थोड़ा फुटेज, फुटेज काम, फुटेज काम, थोड़ा खड़े हो जाए। Thank you.
पीछा कैमरा सर सामने सब सर यहाँ दोनों दोनों यहाँ राइट साइड स्टार्ट करा राइट राइट सामने एक बार